हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज एक बार फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने लेकर आया हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने अंडर कंस्ट्रक्शन टॉल हाई राइजेस के अंदर ये जो टॉप लेवल पे आप देख रहे हो येलो कलर का जो वर्टिकल मेटल शीट दिख रहा है वो तो देखा ही होगा आपने। तो वो क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। उसको कैसे यूज़ करते हैं, इंस्टॉलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं इंस्टॉलेशन, कौन से पार्ट्स होते हैं उसके, तो वीडियो को अंत तक के ज़रूर देखना। सो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं टॉप स्लैब के ऊपर। ये टॉप लेवल है स्लैब का। अभी ये स्लैब कास्ट हो चुका है और अभी इसका शटरिंग चालू है। तो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो सेम तरह का वर्टिकल येलो शीट्स यहाँ भी यूज़ किया गया है। तो बेसिकली इसको कहते हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म। अलग अलग कंपनीज बनाती है, तो ये जो हम लोग यहाँ पर ये साइड पर यूज़ कर रहे हैं उसे कहते हैं डोका। तो ये डोका प्लेटफॉर्म है। तो मेन पर्पज़ इसका यही होता है कि आप जब हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हो तो आपका काम सेफ्टी में हो जाएगा, कोई हज़ार्ड वगैरह जो है आप इसमें अवॉइड कर सकते हो। तो आप जैसे कि देख सकते हो, अभी ये मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, ये बिल्डिंग का पार्ट है और ये पार्ट जो है बिल्डिंग के बाहर का पार्ट है। तो लिटरली आप इस पोजीशन में आकर काम कर सकते हो। तो मतलब ये बिल्डिंग का आउटर पोजीशन में आप सेफ्टी से और मतलब कंफर्टेबली काम कर सकते हो। जिससे क्या होता है कि लेबर वगैरह की जो प्रोडक्टिविटी होती है बढ़ जाती है, हमारा वर्किंग मेथड इम्प्रूव हो जाता है। तो डोका प्लेटफॉर्म के पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो डोका प्लेटफॉर्म का सबसे मेन पार्ट जो होता है ये बाहर का वर्टिकल स्क्रीन। तो ये अलग अलग टाइप की स्क्रीन्स आती है इसमें भी। तो यहाँ पर हम लोग ये एमएस शीट, जीआई शीट यूज़ कर रहे हैं, नॉट एमएस शीट, जीआई शीट है। और ये परफोरेटेड है। तो परफोरेटेड रहने से फ़ायदा ये होता है कि मतलब एयर परमिएबल होता है, तो उसमें विंड लोड जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है विंड लोड लेने के लिए। और प्लस जो है अंदर का जो एरिया होता है स्लैब का, ये वाला एरिया थोड़ा वेल वेंटिलेटेड होता है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप परफोरेटेड शीट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेंटिलेशन मिल जाएगा। उसके अलावा ये नॉन परफोरेटेड भी आते हैं जिसमें ये होल्स वगैरह नहीं होते। और इसकी विड्थ होती है अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर्स की। फिर दोस्तों इसका एक फ्रेम बन जाता है। तो जैसे कि आप पहले ऊपर देख रहे हो, एक टॉप रनर है यहाँ पर, उसके बाद में ये दो वर्टिकल पाइप, दो वर्टिकल चैनल्स है। अब ये फ्रेम दोस्तों गया है नीचे के 3 फ्लोर तक के। ये पहला फ्लोर है जहाँ पे आपकी कास्टिंग होती है। उसके बाद एक नीचे फ्लोर रहेगा, वहाँ पर भी होगा एक स्क्रीन, और उसके नीचे फ्लोर पे भी एक स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये 3 लेवल पर स्क्रीन देने का पर्पज़ क्या होता है? तो जैसे कि आप जानते हो, अगर आप RCC वर्क करते हो तो उसमें ये होता है कि एक लेवल पे आपकी शटरिंग होती है, एक लेवल पे आपके जो बैक प्रॉपिंग होती है वो होता है, फिर एक लेवल पे आपकी जो फिनिशिंग वगैरह का काम चलता है वो चालू रहता है। तो ये 3 चीज़ आप एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म में कर लेते हो, तो इसका मेजर एडवांटेज यही है। तो इसमें ये हो जाता है कि आपके जो टोटल हैंडओवर वर्क होता है RCC का, वो आप इसी रीजन के अंदर कर सकते हो। मतलब एक लेवल पे आपका स्लैब भर रहा है, उसके एक नीचे लेवल पे आपकी बैक प्रॉपिंग लगी है, तो वहाँ पर भी आप सेफली काम कर सकते हो। फिर उसके बाद उसके नीचे वाले लेवल पे आपकी बैक प्रॉपिंग पूरी निकली होगी, लेकिन आपके जो रिपेयर वर्क्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ये आप देख सकते हो जो ब्लैक डॉट्स है वो टायरॉड होल्स है, या फिर जो MY1 के लिए हम लोग पिन यूज़ करते हैं उसके लिए ये होल होता है, तो वो आप भर सकते हो उसके नीचे वाले लेवल में। फिर जो ग्राइंडिंग वर्क होता है, चिपिंग वर्क होता है, स्लैब के ऊपर लेवलिंग वगैरह होती है, वो आप उसके नीचे लेवल पे कर सकते हो। तो बेसिकली ये होता है कि आप ये सारा कुछ इस प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए अंदर ही कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपका प्लेटफॉर्म उठेगा ऊपर, आप उसके वो नीचे वाला एरिया जहाँ से प्लेटफॉर्म उठ गया ऊपर, वो आप हैंड ओवर कर सकते हो दूसरी एजेंसी को, जैसे कि फिनिशिंग वाली एजेंसी को, या फिर जो ब्लॉक वर्क कर रही है उस एजेंसी को। मतलब RCC वाले ने अपना काम कर लिया और हट गया वहाँ से पूरी तरह से हैंड ओवर करके। तो ये इसका मेजर एडवांटेज होता है। तो
बाकी फिर दूसरी एजेंसी के, जैसे RCC एजेंसी है, वो भी सोचेगी कि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है और हैंड ओवर करना है, क्योंकि अगर मैं टाइम पर नहीं कर पाया तो ये जो स्क्रीन जो लिफ्ट करने का प्रोसीजर है वो डिले हो जाएगा। दोस्तों आपके माइंड में एक सवाल तो आया होगा कि बिल्डिंग के आउटर साइड में हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो सस्पेंड करने के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरह का ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट के ऊपर अटकाया गया है ये वाले चैनल को। तो ये ब्रैकेट इस तरह से यहाँ पर हमने टाई रॉड और विंग नट से क्लैंप करके रखा है। अगर आप इस तरह से यहाँ पर देखोगे तो सेक्शन में कुछ इस तरह का रहता है ये। तो जब हम कास्टिंग करते हैं कंक्रीट, जब ये कास्ट हुआ था तब हमने एक होल ऑलरेडी छोड़ कर रखा था, फिर हमने ये ब्रैकेट को फिक्स किया और ब्रैकेट को टाइट कर दिया इस विंग नट से, तो ब्रैकेट आपका जगह पर आ जाता है। ठीक है, ये पहला इनिशियल प्रोसेस है। जब अभी इमेजिन करो कि आपने लगाया ही नहीं है स्क्रीन को, आपने सिर्फ ये ब्रैकेट छोड़ कर रखा है। ठीक है, ब्रैकेट आपने कहाँ छोड़ा है, नीचे के 3 फ्लोर्स तक। तो आप वहाँ पर भी नीचे देख सकते हो एक ब्रैकेट वहाँ है। ठीक है, ऐसे 3 ब्रैकेट आप छोड़ोगे। और जब आप फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करते हो तो आप क्या करोगे, ये ISMB जो होगा विच विल बी कनेक्टेड टू द मेन स्क्रीन, आप उसको क्लाइम करके यहाँ पर लगा दोगे। इसी तरह आप नीचे के 3 फ्लोर्स में भी क्लाइम करके लगा दोगे। ये होगा आपके लेवल, आप स्टार्ट करोगे अप्रॉक्सीमेटली लेवल 5 या 7 के पास से, जहाँ पे आपका टिपिकल फ्लोर चालू हो जाता है। तो इसका मेन फ़ायदा यही होता है दोस्तों कि आप इसको ऊपर लिफ्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ क्रेन। अगर आपके पास क्रेन है तो आप क्रेन से भी लिफ्ट कर सकते हो, या फिर ये सेल्फ क्लाइंबिंग होता है, इसके ऊपर हाइड्रोलिक पिस्टन से भी हम लोग इसको लिफ्ट कर सकते हैं। और इसका मेन एडवांटेज ये होता है कि आप जो हाइट्स जो होती है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपकी हाइट 3 मीटर की है स्लैब की तो ये 3 मीटर लिफ्ट होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका बीच में रेफ्यूज फ्लोर आ रहा है, फायर चेक फ्लोर आ रहा है, वहाँ हाइट थोड़ी कम हो जाती है, तो वो उसमें भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। वो आपको दिखाऊंगा मैं इसके नीचे वाले फ्लोर में। तो ये फ्लोर में जैसे कि आप देख सकते हैं प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म दिया गया है, किसी भी तरह का गैप्स वगैरह नहीं है यहाँ पर। ये गैप जो है वो सील हो जाता है बाद में, इसको हम लोग नेट वगैरह से भी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सेफ लगता है चलने के लिए। तो ये फ्लोर पर इतना ही कुछ था, आपको बस ये ध्यान देना है कि आपका ब्रैकेट कहाँ कहाँ आने वाला है, कितने कितने लेवल पर आने वाला है। अगर आपकी फ्लोर हाइट अगर 3 मीटर की है तो पहला ब्रैकेट अगर 3 मीटर पे 0 मीटर्स पे यहाँ पर है, तो अगला वाला नीचे वाला 3 मीटर पे होना चाहिए। तो दोस्तों मैं अभी आपको लेके चलता हूँ नीचे वाले लेवल पे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये लिफ्ट कैसा होता है और उसके कोर कंपोनेंट्स क्या क्या है, वहाँ पर आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ -1 लेवल पे, मतलब हमारा जो टॉप लेवल था वो इसके ऊपर था, तब मैं वहाँ खड़ा था, अभी मैं एक फ्लोर नीचे आ गया हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो मतलब सेफ्टी पूरी तरह से यहाँ पे मिलती है। उसके बाद में मैं ऊपर दिखाता हूँ, जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म था वो कुछ इस तरह से सपोर्टेड है। ये यहाँ पे एक स्क्वायर ट्यूब है, यहाँ से निकला है और यहाँ पर क्रॉस ब्रेसिंग है, फिर ऊपर से एक और एक बीम दिया गया, फिर उसके ऊपर से वुडन ISMB है, फिर उसके ऊपर वो प्लैंक्स को सपोर्ट किया गया। फिर उसके बाद जो मेन ISMB था, जो ऊपर की तरफ आपने देखा था ब्रैकेट के अंदर हमने क्लैंप करके रखा था, वो ये वाला है और वो आप देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कुछ हुक्स दिखेंगे आपको, ये जो हुक टाइप आप देख रहे हो, ये ISMB में वो वाले में, और उसके आगे आप देख सकते हो एवरी, यानी ये एवरी 2.5 मीटर यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पर है, उसके आगे भी आप देख सकते हो। तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जब आप ब्रैकेट आप देते हो वो वाला, तो उसके अंदर जाके ये फंस जाता है, जिसके ज़रिए के जो ये हमारा स्क्रीन है आउटर साइड में सस्पेंड हो जाता है ऑन डैट ब्रैकेट, और वो ब्रैकेट का सारा लोड होता है इस कंक्रीट मेंबर के ऊपर। तो अभी यहाँ पर ये ढका हुआ है ब्रैकेट, में आपको शायद अगर हट जाते तो दिखा देता हूँ। तो कनेक्शन दोस्तों कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। तो मैं ऊपर दिखा देता हूँ किस तरह से ऊपर था। तो वो दोस्तों आप देख सकते हो वहाँ पर हुक्स नहीं थे, लेकिन हमने जो ISMB का फ्लैंज पोर्शन था
उसको यूज़ करके हमने रोक कर रखा है इस ISMB को। फिर ये हुक वाला पोर्शन आ जाता है नीचे के लेवल्स के ऊपर। तो अभी हमने क्या किया, बेसिकली एक पिन यूज़ किया है। तो आप वो पिन देख सकते हो यहाँ पर, ये पिन इसके अंदर से गई है यहाँ तक के, और उस पिन के ऊपर इस हुक को हमने लैच किया है। तो इसी तरह के ब्रैकेट आपको नीचे के और एक फ्लोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा सेकेंड लेवल, इसी तरह से इसके नीचे एक लेवल है, और इसी तरह से ये पूरा जो स्क्रीन है बिल्डिंग के आउटर साइड पे सस्पेंड हो जाता है। तो इसके पार्ट्स अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका एडवांटेज क्या है। तो बेसिकली इसमें एडवांटेज ये होता है कि आप अगर 7-7 दिन के अंदर अगर स्लैब कास्ट कर रहे हो, अभी ये लिटरली यहाँ पर जो स्लैब का एरिया है वो है अप्रॉक्सीमेटली 8000 के आसपास स्क्वायर फीट में एरिया है यहाँ पे स्लैब का। तो ये हम स्लैब कास्ट करते हैं 7 दिनों के अंदर, तो हमें मतलब थोड़ी स्पीड चाहिए होती है ताकि हमारा जो वर्टिकल प्रोटेक्शन जो होती है उसे हम जल्दी जल्दी शिफ्ट कर सकें ऊपर के लेवल पर। उस केस में अगर आप नॉर्मल फ्रेमिंग करते हो पाइप से या फिर इस तरह के ग्रीन नेट से, तो इसमें आपको 3 से 4 दिन उसी में निकल जाएंगे। तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी आपको उस तरह से नहीं मिल पाएगी, और आपको जो फंड्स या रेवेन्यू मिलने वाला रहेगा उस उतना जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो उस केस में कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल ऑप्शन होता है ये वर्टिकल स्क्रीन, इसमें कि अगर आप फटाफट अगर काम कर रहे हो, स्पीड आपकी अच्छी है, तो जो कॉस्ट होता है स्क्रीन का वो कैंसिल आउट हो जाता है इन लॉन्ग टर्म। तो उसमें आपको बेनिफिट ज़्यादा आ जाता है। तो इसमें अभी सबसे पहले आपको जो बेनिफिट मिल गया वो था कि आपकी जो स्लैब कास्टिंग होगी फटाफट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको प्रॉपर सेफ्टी मिलती है, वर्किंग प्लेटफॉर्म मिल जाता है काम करने के लिए। फिर तीसरा इसमें बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप आउटर में काम कर सकते हो, मतलब आप बाहर बिल्डिंग के बाहर लेवल में जा सकते हो। जैसे अगर आपको इस वॉल के ऊपर अगर आपको फिनिशिंग करना है, ग्राइंडिंग करना है, तो आप अंदर से कैसे करोगे, आपको बाहर तो आना ही पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास ये वर्टिकल स्क्रीन नहीं है तो आपको बाहर से सस्पेंडेड रोप सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म लगाना पड़ेगा, और उससे आपको फिर ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि स्क्रीन जो वर्किंग प्लेटफॉर्म में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आप बाहर आके जब आपका काम चल रहा होता है, बाकी सब एक्टिविटी चल रही होती है, तभी आप ग्राइंडिंग फिनिशिंग वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। और जब आउटर का काम पूरा की पूरा हो जाता है आपका, तब आप क्लियरेंस दे सकते हो वर्टिकल स्क्रीन को लिफ्ट करने के लिए। सो ये स्क्रीन को लिफ्ट करने से पहले आपको ये माइंड में हमेशा रखना है कि जब भी आप ये लिफ्ट कर रहे हो उससे पहले आपका जितना भी आउटर का काम होगा, फिनिशिंग हो गया, कॉन्क्रीट रिपेयर वगैरह होगा, टायर होल फिलिंग हो जाएगा, वो सब कुछ कम्प्लीट हो जाना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट्स, ताकि वो सरफेस रेडी हो जाएगा पेंटिंग के लिए। तो अगर आप मिस आउट करते जाए तो फ्यूचर में आपको ही दिक्कत होगी, बाद में आपको अलग से मैन पावर अरेंज करना पड़ेगा, अलग से रोप प्लेटफॉर्म अरेंज करना पड़ेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए। उसमें क्या होगा, आपका ही पैसा जो हैगा एक्स्ट्रा वेस्ट जाएगा और टाइम वेस्ट जाएगा। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप अप्रूवल जब भी देते हो लिफ्ट करने के लिए, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी होगी। उसके बाद सेफ्टी वगैरह भी आपको ध्यान में रखना है लिफ्ट करने से पहले, परमिट वगैरह लेना है आपको काम करने से पहले। फिर आपको ये मेक श्योर करना है कि जितना भी गैप्स वगैरह हो गए यहाँ पर क्लोज होने चाहिए, मोस्टली तो क्लोज ही होता है। अभी ये हमने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया है इसको, क्योंकि अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे लिटरली अभी आपको देखने मिल जाएगा पूरा आर पार। तो हमने मतलब कुछ भी छोटी भी चीज़ अगर गिर जाती नीचे इतनी हाइट से, तो इम्पैक्ट उसका ज़्यादा होता था, इसलिए हमने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर नेट लगा दिया। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया रहेगा इसके बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग और नई टेक्नोलॉजी है, तो आजकल आपको यही देखने के लिए मिलेगा काफ़ी हाई रेज़ के अंदर, क्योंकि जो पुराना सिस्टम था वो हम धीरे धीरे बाहर कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की अगर आपको डाउट होगी इसके ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एंड इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसी तरह की और वीडियोज़ में लाते रहता हूँ, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।